मेरा ताल्लुक सरगोधा से और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से स्टडी कर रहा हूँ। ये आपने क्या तख्लीक किया? ये हमने तस्दीक की कि ये हमारा मैकेनिकल रोबोटिक आर्म है। इसमें हमारे पास ये है कि हम एप्लीकेशन इसकी ये हैं कि एक जगह से आप चीज़ हैंडल करके दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। जहाँ पर ह्यूमन बॉडी की आपकी एंट्री नहीं है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि हमारे पास 6 सर्वो मोटर्स लगी हुई हैं और 2 एंगुलर हैं, बाकी हमारे पास जो हैं 4 वो ब्रिस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसे हम ब्लूटूथ बजरिया मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। जी, कितना अर्सा लगा इसको? इसको अर्सा तकरीबन हमारे 3 मंथ्स लगे हैं। जी, मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं, किस तरह की मज़ीद चीज़ें तख्लीक? मज़ीद चीज़ें हम मैन्युफैक्चर भी करेंगे और ऐसे एग्जीबिशंस में लेकर आएंगे। हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेप आर्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट से हैं, तो हम ये आपने क्या तख्लीक किया हुआ है? ये नज़र आ रहा है क्लॉक भी बना हुआ है, इसके पीछे क्या आइडिया था, कैसे सोचा आपने, क्या है ये? हम लोगों ने टाइम और हेल्थ को लेके चला कि दोनों हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं हम लोग कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमें हेल्थ के साथ साथ टाइम को भी मैनेज करना चाहिए और टाइम के साथ साथ हेल्थ को भी मैनेज करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ के। तो इस वजह से हम लोगों ने ये ह्यूमन क्लॉक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रक्चर जो है वो एक ह्यूमन हार्ट है, आप देख सकते हैं ये इसकी वेन्स वगैरह और वो सब कुछ बना हुआ है और ये बीच में क्लॉक है कि टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब तक टाइम नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ को सक्सेस नहीं हासिल कर सकते किसी चीज़ की, तो और उसके साथ टाइम के साथ साथ हमें हेल्थ चाहिए। तो इस वजह से और ये क्या कहते हैं SDGs के जो है उसका जो थर्ड फैक्टर है गुड हेल्थ वेल ह्यूमन बींग, तो उससे ये रिलेट करता है। बताएगा कितने लोगों की टीम थी जो आपने इसको बनाया? हम 4 लोग थे। और टाइम कितना? हमें 3 दिन में बना। 3 दिन दिक्कत हुई थी थोड़ी सी कि हम लोग जब कर रहे थे तो हमें इतना पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम लोगों ने जब जाके रिसर्च किया सारा कुछ किया तो हमें पता चला कि ये वाला पार्ट अच्छा इस जगह पे लग सकता है, ये चीज़ ऐसे यूज़ हो सकती है, ये चीज़ ऐसे यूज़ हो सकती है, तो वो हम लोगों ने फिर साथ साथ उसको सीखा, लर्न बहुत कुछ किया हम लोगों ने कि हम लोग ये एक हम लोग अगर इसको वेस्ट करें तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म कर सकता है, अगर हम टायर जो है वो बर्न वगैरह करें। जी बिल्कुल, ये कुछ एक मेरा है और बाकी मेरे दोस्तों के। आपका कौन से वाला? ये मेरा ये है आउल। क्या है ये? आउल है उल्लू, द अगली आउल, मैंने इसका नाम रखा है द अगली आउल। यही क्यों तख्लीक किया? ये इसलिए तख्लीक किया क्योंकि ये यहाँ पे आपने बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स देखे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को कुछ बड़ा ही बनाया जाए, कुछ छोटी चीज़ें भी कुछ बहुत बड़े मायने रखती हैं। तो कितना टाइम ड्यूरेशन लगी आपको ये बनाने में और कैसे बनाया आप? ये कुछ रिसाइकल चीज़ें हैं, मतलब जो यूज़ हुई हुई हैं, और इसको बनाने में तकरीबन 2 घंटे लगे थे, और बाकी जो है ये जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ हुआ है बैरिंग है, बॉल्ट हैं और वो वॉल्ट्स हैं जो बेसिकली जो है मोटर बाइक्स में या कार्स में यूज़ होते हैं, इंजन्स में।